हेलो एवरीवन, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों का नेट का एग्ज़ाम जो कि नेट एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूजीसी नेट का दिसंबर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं अपने तरीके से जो मैंने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग फॉलो की थी उसके थ्रू मैं उन लोगों की तैयारी में थोड़ा सा एड ऑन करके उसे बिल्कुल परफेक्ट करना चाहती हूँ। अगर आप एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो आप ये के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस पे हम जाते हैं। सो अगर हम यूजीसी नेट का अपडेटेड सिलेबस देखें जो कि जून 2019 से नौ अपडेटेड सिलेबस आ रहा है, सो उस सिलेबस में अगर हम जाते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ज्यूरिसप्रूडेंस, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब अगर हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे अगर हम फोकस करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में अलग से एक सेपरेट टॉपिक था, अब इसे मर्ज कर दिया है जून 2019 से। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम टॉपिक। नाउ कम्स टू थर्ड पार्ट, थर्ड है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सो अगर हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे जाते हैं सो ये भी टॉपिक ऑलमोस्ट पुराना ही है, ज़्यादा नया नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट पुराना ही है। फोर्थ टॉपिक है लॉ ऑफ क्राइम जिसे हम IPC कहते हैं। गाइस यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने वाली है, दिस लॉ ऑफ क्राइम में सिर्फ IPC कवर है, इससे आप ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट या CRPC भी इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ IPC है। सो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सिलेबस एक अलग कंटेंट था, अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स को ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट इज कमर्शियल लॉ जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ कह सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस टाइम सिलेबस जो लॉ कमर्शियल लॉ है उसमें सभी कुछ इंक्लूड कर दिया, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, निगोशिएबल, कंपनी लॉ, CSR इज न्यू टॉपिक फॉर कमर्शियल लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली लॉ, फैमिली लॉ हमेशा की तरह मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ बोथ। देन कम्स इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। अगर हम इस टॉपिक को देखें, ऑल्दो ये टॉपिक न्यू है लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं या जो हमेशा से क्वेश्चंस आए हैं वो पुराने हैं, लेकिन दैट वेयर अंदर डिफरेंट टॉपिक्स एंड हेडिंग्स। अब उसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं, देन देयर इज IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक नया टॉपिक है। ऑल्दो ये टॉपिक भी अलग से इसे डिवाइड कर दिया गया, बट हमेशा की तरह ये एक पुराना ही टॉपिक है, कंटेंट वाइज पुराना है बट हेडिंग डिफरेंट कर। यस देन कम्स टू द वेरी न्यू पार्ट कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सो इस कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और सिस्टम गवर्नमेंट इसको न्यू टॉपिक में कवर किया गया है। सो गाइस ये था सिलेबस, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट वाइज स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब।